भाई पहला मुकाबला 7 विकेट से और दूसरा मुकाबला 4 विकेट से हारने के बाद अब टीम इंडिया का तीसरे T20 इंटरनेशनल में वापसी करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया देखा जाए तो इंडिया के अंदर कभी भी साउथ अफ्रीका से सीरीज नहीं जीती और इस लिहाज से देखा जाए तो ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट थी। हाल फिलहाल अगर हम नजर डालें दोनों टीम्स पर तो भाई इंडियन टीम का बॉलिंग अटैक और बैटिंग लाइनअप दोनों ही कहीं ना कहीं चरमराता हुआ नजर आया है और ऐसे में देखना होगा दिलचस्प कि आखिर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसी रहेगी विशाखापट्टनम की पिच और आखिर कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। तो चलिए इस प्री मैच एनालिसिस में इन सभी बातों पर ध्यान डालते हैं, लेकिन उससे पहले भाई दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई फटाफट से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ। 19 मुकाबले टोटल अभी तक खेले जा चुके हैं, 9 मैचेस इंडिया ने जीते हैं तो वहीं 8 मैचेस अब साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, मात्र एक मैच का फासला रहता है। ओवरऑल लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो इंडिया ने मात्र एक मैच जीता है तो वहीं साउथ अफ्रीका ने बैक टू बैक 3 मैचेस जीते हुए हैं T20 इंटरनेशनल के। अब दोस्तों इस लिहाज से देखा जाए तो हाल फिलहाल इंडियन टीम पर साउथ अफ्रीका का डोमिनेशन दिखाई देता नजर आ रहा है पिछले कुछ मैचेस से। बात करी जाए पिच रिपोर्ट की तो भाई डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम में यानी कि विशाखापट्टनम में ये मुकाबला होगा। 2 T20 मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं जहां दोनों ही मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। अब दोस्तों इस लिहाज से देखा जाए तो भाई टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही मैचेस में यहां पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था टेंपा बवूना ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस मुकाबले में भी ऋषभ पंत का टॉस जीतना बेहद जरूरी होगा। भाई एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहता है 104 रन, हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का 126 रन और लोएस्ट स्कोर है श्रीलंका का 82 रन। अब ऐसे में एक चीज तो साफ है भाई कि यहां पर एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को शायद ना मिले, क्योंकि दोनों ही बार स्कोर जो है वो 150 के नीचे रहा है। अब भैया रहती है बात प्लेइंग 11 की और हमारे की प्लेयर्स की, तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले तो टीम इंडिया पर। दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर एक वही रेगुलर टीम हमें देखने को मिल सकती है, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और आवेश खान हमें खेलते दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद होगी कि भाई यहां पर कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो गेंदबाजी में किए जा सकते हैं, दोनों ही मैचेस में गेंदबाज काफी खर्चीले साबित हुए हैं तो ऐसे में बॉलिंग अटैक में हमें कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द की प्लेयर्स, भाई ईशान किशन ने 2 मैचेस में 100 रन बना लिए हैं, 144 का स्ट्राइक रेट रहता है। श्रेयस अय्यर की बात करी जाए तो 2 मैचेस में 76 रन इन्होंने बनाए हैं 122 के स्ट्राइक रेट से। वहीं दिनेश कार्तिक ने लास्ट मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी थी, 2 मैचेस में 31 रन बना चुके हैं 134 के स्ट्राइक रेट से। तो भाई ओवरऑल ये है कुछ ऐसे 3 बल्लेबाज जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। इनके अलावा देखा जाए तो भाई ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या 2 ऐसे हिटर होंगे जिन पर इंडिया का भरोसा डेफिनेटली रहेगा। गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करी थी, ओवरऑल देखें तो 2 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं, लास्ट मुकाबले में 4 विकेट निकाले थे, 7 की इकोनॉमी चल रही है। वहीं हर्षल पटेल की बात करी जाए तो 2 मैचेस में 2 विकेट इन्होंने चटका लिए हैं 8.57 की इकोनॉमी के साथ। तो भाई यहां पर ये हैं वो 4-5 खिलाड़ी जो कि इंडियन टीम की तरफ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपकी फैंटेसी 11 में भी ये शामिल हो सकते हैं। अब रही बात इनके ओपोनेंट्स की यानी कि साउथ अफ्रीका की, तो दोस्तों प्लेइंग 11 में सेकंड मैच में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, हालांकि क्विंटन डिकॉक को इंजरी हुई है तो इफ ही इज सेफ एंड साउंड उनकी प्लेइंग 11 में वापसी होगी, अदरवाइज यहां पर भी प्लेइंग 11 सॉर्टेड दिखाई देती है। टेंपा बवुमा, रीजा हेंड्रिक्स, रशी वेंडरडुसे, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, ड्वेन प्रिटोरियस, वेन पर्नेल, केशव महाराज, तबरे शामजी, कगिसो रबाडा और एंड्रिश नॉर्किया हमें नजर आते हैं। दोस्तों यहां पर भाई हेनरिक क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, लास्ट मुकाबले में 81 रन ठोक डाले थे 176 के स्ट्राइक रेट से। वहीं डेविड मिलर की बात करें तो 2 मैचेस में 84 रन इन्होंने बनाए हैं 182 के स्ट्राइक रेट से एंड ही इज इन अ गुड फॉर्म, डेविड मिलर पर भरोसा किया जा सकता है। रसी वेंडरडुसे एक हरफन मौला खिलाड़ी है, लास्ट मुकाबला अच्छा नहीं रहा था बट एक बार फिर इनकी तरफ से कमबैक की उम्मीद करी जा सकती है, 2 मैचेस में 76 रन इन्होंने बनाए हैं 143 के स्ट्राइक रेट से। अब दोस्तों ये तो हुए बल्लेबाज जिन पर हमें करना है भरोसा, रही बात गेंदबाजों की तो यहां पर एनरिक नॉर्किया ने लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाले थे, टोटल 2 मैचेस में 3 विकेट ले चुके हैं। इकॉनमी के मामले में यहां साउथ अफ्रीका भी थोड़ा सा हिलती हुई नजर आती है, 9 की इकॉनमी के साथ नॉर्किया ने गेंदबाज
गेंदबाजी करी है, तो वहीं 10.71 की इकोनॉमी के साथ ड्वेन प्रिटोरियस ने 2 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं। अब इनके अलावा दोस्तों केशव महाराज भी बेहद महंगे साबित हुए हैं, लेकिन 2 विकेट इनके खाते में भी आए हैं, कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे गेंदबाज है जिन पर आपको भरोसा करना है। कगिसो रबाडा अभी हाल फिलहाल विकेट पे विकेट निकालते नहीं दिखे हैं, बट रबाडा की तरफ से भी कमबैक किया जा सकता है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीकन टीम हाल फिलहाल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन यहां पर इंडिया कमबैक कर सकती है। अब आपके हिसाब से क्या साउथ अफ्रीका बैक टू बैक 3 मैचेस जीतकर ये सीरीज अपने नाम करने वाली है, या फिर इंडिया करेगी कमबैक और होगा एक शानदार सीरीज का आगाज? भाई देखना होगा दिलचस्प। दोस्तों अपने कमेंट्स और अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।